हाय कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम टू द शो थैंक यू अच्छा हम थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि वी आर नॉट फॉलोइंग एनी फॉर्मेट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आप कहाँ पैदा हुए कब करियर स्टार्ट किया आई वांट टू नो व्हाट मेक्स शमून अपासी हैप्पी हैप्पी वेरी मेरी ना वो कहते हैं ना छोटी छोटी खुशियाँ

हर तरफ ग्रीन 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 घर के अंदर भी बहुत ग्रीन अब यहाँ पर जब मैं अपार्टमेंट्स पे आया ना तो आपको पता है पीने को पानी नहीं है तो मैं बड़ा hmm. सब्जी तो लोग बड़ा हंसते थे कि यार शमून भाई आप इतने हाईटेक हैं एंड आपकी हॉबीज ही हैं मैं कहता था हाँ यार दिस मी पीस इन इनर पीस तो फिर क्या हुआ एंड एज यू नो यूलो लिफ्ट इट्स लाइकडाइज फॉर ग्रीनर तो मुझे ना लॉन मिले बड़े बड़े ना मिलू आपको एक जंगल सा बना दिया एंड आई लव और सरा यकीन करे mm -hmm. कोई कहता है ना मैं पानी दे दू पौधों को मैं मना कर देता हूँ माई हाफ एन आवर वन आवर वेर आई जस्ट रिलैक्स एन आई नो आई लिव विद मैं उनको ग्रोथ अवर रोजाना देखता हूँ आई डोट लिंक ये छोटी सी खुशी है बाकी uh, घरेलू जो खुशियाँ होती हैं उसमें मुझे लगता है कि नाउ आई एम मैरिड टू अ वन हुज नो इनिबिशंस हुआ ना शी डज नॉट मेजर मी बाय माई पास शी लवस मी एज आई एम एंड

आपने तो कह दिया ना चले जाओ oh, वो बुरा मानता है मतलब मैं तो बैठा हुआ मैं क्या कह रहा हूँ तो मेरे जितने दोस्त आते हैं ना वो मेरे साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ उसके साथ भी कर रहे होते हैं और oh, जोरो बताओ okay. क्या चल रहा है आजकल ये एंड माई चिल्ड्रेन मेक्स मी हैप्पी तो आई डोंट नॉट टू मेनी रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग हैप्पी दैट्स अमेजिंग अच्छा हमने हमेशा सब ने बहुत ज्यादा देखा कि आपके विलेन के कैरेक्टर्स बट uh -huh. आप कॉमेडी भी बहुत अच्छा करता है लेकिन इतना ज्यादा क्यों नहीं करता अ असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ना मैम अमूमन ये होता है कि आपको एक टाइप कास्ट कर uh -huh. लेते हैं कि आप ऐसे है. वो कहते हैं ब्रांड है ये

ठीक है अच्छा नेगेटिव रोल का एक फायदा ये होता है मेन विलन का कि आप ना बाकी बखेड़ों से दूर होते हैं लड़की okay. लड़का डांस oh, <laughs> आपका अपना एक गैंगल होता है अपनी mm -hmm. एक लोकेशन होती है वहीं पे आप अपना सारे ड्रामेबाजी करते हैं <laughs> एंड में जाके जना आप हीरो को कूटना होता है या खुद कूटना होता है <laughs> या इवेंचुअली आप मर जाते हैं आखिर में यू गेट योर चेक यू गो होम तो कॉमेडी इज माई लव फर्स्ट लव इज कॉमेडी मैंने अब 2023 में कुछ शोज में बैठ के बाद हरीम mm -hmm. yeah. oh, wow. yes. uh, oh, nice. और हरीम uh, और अबू अलियन ऐसे डायरेक्ट uh -huh. कर रहे हैं और, तो मैं, I was so यार yeah. चलो कॉमेडी फिल्म भी कर रहा हूँ मैं तो यस yes,

राम कुपाल वर्मा जी, जी. विशाल भदवाज़ ये दोनों मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर्स हैं आज भी इम्तियाज़ अली ऑफर तो आई टू तो ओके okay. okay. बस अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो जो डेट्स थी जिसमें शूट चल रही थी अब मैं जरा हूँ अगर आपके शो की मैंने टाइम दे दिया है एंड आई एम कमिटेड तो आप मुझे एक करोड़ रुपए भी कहीं और दे रहे होंगे ना तो या तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि असरा क्या आपका शो आगे पीछे हो सकता है आप कहती है नहीं सर मैं नहीं कर सकती तो फिर भले आप मुझे रुपया भी ना दे रहे हो आई आई एम कमिटेड एंड हैव टू बी विद यू होगा क्या मैं आपको एक दफा डस दूंगा फिर किसी और को दूंगा किसी और काम के लिए अल्लाह नाराज होता है कि यार अपने लोगों को नीचा नहीं दिखा के तुम बाहर जाने की कर रहे हो क्या पता कल को वहां से इज्जत ना मिल पाए क्या पता वो चीज इतनी तो वापस यही आना है

उसमें सात उसके शोहर होते हैं उनमें से एक शोहर था ओके समझ नहीं आप Got it. वो जो गाना है कि वो आंखों को आंखों से चार mm -hmm. हो तो वो गाना मेरे ऊपर था okay. तो उन्होंने सारा बताया गाना भी है तो वो एक रशियन बंदा दिखाना है एंड आई वाज लाइक ओके बट आई लव प्रियंका चोपड़ा एज एन एक्टर तो मैंने कहा चलो फोन आ तो गया ना लेकिन अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है एक्सपोजर भी बहुत बड़ा है um, मैं हमेशा ये चीज़ बहुत ज्यादा नोटिस करती हूँ कि पाकिस्तान में uh, बहुत टाइम लग जाता है यू नो टू रीच टू अर्टन लेवल एंड वेन यू आर वर्किंग विद बॉलीवुड इज समय राइट देखें एक अरब लोगों की का mm -hmm. मुल्क है एक से छोटा uh, yeah. uh, प्रोजेक्ट भी बड़ा कर देते हैं hmm. yeah. हमारे यहाँ अभी हम एक लाउंज में बैठे हुए होंगे चार लोग प्रोफेशनल्स एक उठ के जाएगा तीन उसकी बुराइयाँ करेंगे exactly. अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है टू नॉट अपनी हर्ट होती है कि यार असरा बहुत अच्छा शो करती है इवन इफ यू नॉट देयर मैं आपकी तारीफ अगर फील करता हूँ मैं नहीं करूँगा क्यों ऐसा लगता है मेरे अंदर से कोई यार लोगों की तारीफ करना शुरू करो और तुम देखो लोग पलट के तुम्हारी गलतियों को भी किस तरह अच्छाइयों में तब्दील कर देंगे so ये एक एनर्जी है है ऑफ़ पॉजिटिविटी जो किस में नहीं है घरे exactly. no. तो लगा लेते हैं एंड वी स्टार्टचुअली रिस्पेक्टिंग प्रॉब्लम है यार, क्या एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज इट और टू नॉट हर्ट समबड़ी बाई दिस प्रॉब्लम है लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा बेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ अक्सप्टी डों बड़े से बड़ा अभी इमरान अब्बास की खबर आई कि उसको इंडिया में किसी फलाने बुलाया रामलीला राम उसको ट्रोल कर रहे हैं यारोल कर रहे हैं आप इमरान अब्बास कैन बी कॉल्ड बाई इंडियन वो इंडिया में घूम रहा होता है फिर रहा है। उसकी दोस्तियां वाई नॉट रिस्पेक्टिंग द पॉइंट दा उसको बुलाया फवाद और मायरा जब पाकिस्तान वापस आ गए इंडिया से तो मुझे एक शो में बुलाया दैट्स अ फनी थिंग एंड दिस एंकर और भी लोग बैठे हुए थे mm -hmm. उन्होंने वो मेरी इंडस्ट्री के नहीं थे मैं अपनी इंडस्ट्री का बंदा था जो रिप्रेजेंट कर रहा था एंड ही लाइक देखें मां से जलील होकर वापस आए आपका क्या ख्याल है मैंने कहा वही मोमेंट ओके ये आपने जलील का वर्ड बीच में क्यों लगा दिया जलील कैसे हो गए फवाद खान ने जाके अपने झंडे खाड़े बड़े बड़े एक्टर्स को वहां पे उसने हार्ड टाइम दिया शाहरुख खान के स्टूडियो के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के हजारों लड़कियां बाहर खड़ी होती कि किसी तरह देख ले मुझे। और एक दुपट्टा ओढ़ने वाली लड़की माहिरा वो यहाँ से गई उसने हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन किया जो भी किया अब अगर आप कहते हो नहीं जी हराम काम है यह तो बिल्कुल एक अलहदाबाद है बट चीज मेकिंग शो बिजनेस

मतलब वो जो ए, एक असल में औरत की कोई बुराई नहीं होती है ये होती है कि वो वीकनेस होती है कि वो नहीं जाके किसी से कन्फ्रंट कर सकते तो वो पीछे बैठ के बातें करते हैं ओके दैट वाज अ गुड कवर अप मैं उन मर्दों को कह रहा हूं जो औरतों की तरह करते हैं मैं औरतों के नहीं कह रहा दैट वाज अ गुड कवर अप ओके um सो so ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई ना कोई एक ऐसा सेट बैक मोमेंट आता होगा या जब आप भी sad फील करते होंगे hmm. so what makes you sad what makes me sad is that in pakistan again it's related to yeah. my industry in pakistan uh, जब मैं आ रहा था ना इस इंडस्ट्री में mm -hmm. मेहनत कर रहा था आई स्टार्टेड अर्निंग मनी शुरू में तो मुझे लगा हुआ मैंने कहा यार दो तीन साल में मैं आई बॉट अ कार मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं एक अच्छा मोबाइल लेके फिर सपोर्टिंग माय फादर माय माय पेरेंट्स

फोन करके खुद आपसे नहीं कहते कि यार आए आपके yeah. पैसे हमने बढ़ा दिए हैं या कुछ कर दिया yeah. <laughs> जो ऑलरेडी होते हैं पैसे वो नहीं देते दैट वन पार्ट मेक्स मी सैड बाकी मैं सैड रहने वाला बंदा हूँ नहीं क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ इससे ही रिलेटेड है कि यार आपने दुनिया में मेहनत की तो क्या हासिल किया मैंने नाम बहुत बनाया आई एम नॉट फेमस आई एम पॉपुलर ओ या डिफरेंस फेम फेम में ये होता है कि आप सिर्फ एक

हमारी इंडस्ट्री के पीक क्या है फवाद खान फवाद गॉट लकी गॉट आउटसाइड ठीक yeah. है वेंट टू तो इंडिया आतिफ असलम वेंट टू इंडिया राहत भाई वेंट टू इंडिया पीपल मेड देयर नेम्स देयर पाकिस्तान में आज भी वही कर रहे हैं वो मेहंदियों के प्रोग्राम्स exactly. भी चल रहे हैं तो प्राइवेट प्रोग्राम्स चल रहे हैं बिल्कुल ऐसा है. आपने आतिफ असलम को वो कैरियर बना के दिया जो इंडिया ने दिया था उसको छह साल आठ साल उसने रूल किया शफकत अमानत अली को ने रूल किया बिल्कुल राहत भाई ने रूल किया नुसरत फली को जब तक खान साहब ने नहीं आइडेंटिफाई किया था जब तक खान साहब बस कबालियाँ गा रहे थे बट जैसे ही हुआ तो एकदम से जो है वो बिल्कुल ऐसा है। बाहर के म्यूजिशन इंटरेक्ट किए तो इस मुल्क में जो जमीन है उसमें तो बहुत जान है हमारी सोचों में ना एक दूसरे को ग्रो करने की वो हिम्मत नहीं है हम खौफ ज़्यादा हैं एक दूसरे से दैट हर्ट्स मैकुल बैडली एवरी डे बिकॉज आई एम अ वेरी ओपन बंदा मुझे

वो अगर स्क्रीन पे जैसा नजर आए सोशल मीडिया पे जैसा अगर मैं बहुत ज़्यादा सैड पोस्टिंग्स करूँगी तो पीपल विल थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा सैड रहती हूँ बट जब वो मुझसे सच में मिलेंगे दिल बिले यू आर वेरी बबली लाइक वाई डू यू पोस्ट सच दैट्स नॉट रियल मी ऑबली बिल्कुल ऐसा ही है एंड uh, वो जो आपने बात की अभी कि शान जो है वो हेलीकॉप्टर पर नहीं चलते हैं यू नो वो तो बड़े कॉमन uh, मसले भी होते हैं सेलेब्रिटीज़ yes. के साथ यू you नो know, कभी आपके घर में पानी ख़त्म हो जाता है कभी क्या जाता है इन्होंने

अपने आप को इतना डिपेंडेंट भी मत करो कि बहने बीबियां और माए जो है ना वो आपको पाल रही है कल को आप इन लोगों से अलग होते हो आपके हाथ पाओ फूल जाते हैं अंडा भी निकलना आ रहा है जी पराठा नहीं बना रहा मैंने अपने अपने बच्चों को भी बोला मैंने कहा बेटा तीन चार आइटम खुद भी सीख लो इसलिए नहीं कि तुमने हमारे लिए पकाना है कल को मामा बाबा लेट हो जाए कुछ हो जाए और तुम लोग हाथ फूले लो था, 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 कि क्या करें पकाओ पराठे बनाना सीखो नाश्ता बन जाता हो जाता है नाश्ता हो जाता है कोई एक दो सालन बनाना सीखो तो मेरे बच्चों ने सीखा बस हम ना जल्दी जल्दी अब इसको वाइंड अप करेंगे मेरे पास बातें तो बहुत सारी हैं बट uh, आपका बहुत ज्यादा टाइम मैंने लिया है तो हम एक छोटा सा दस और दैट करेंगे यू हैव टू पिक वन ओके इट्स जस्ट अ वन वर्ल्ड गेम ओके सो बीच और माउंटेन्स बीचेस ओके टी और कॉफी 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 एंड डिरेक्शन और एक्टिंग सवाल Direction okay, hero or villain? Villain, you'll <laughs> <laughs> stick to it. <laughs> I'll make okay. a lot of money. <laughs> <laughs> okay, parties or staying home? staying home? Staying home, staying home, staying home, and doing parties at home. And, <laughs> that's nice. Thank you so much <laughs> for joining me today. And it was a pleasure talking to you. Same here. Thank Th you so thank much. Thank you. Thank you so much. Office. Thank you.